तो आज करेंगे हम लोग जबलपुर दर्शन गणेश भाई के साथ। बैलेंसिंग रॉक उसके सामने गेट के इधर ये देखिए संतुलित शिला, यहाँ पे संतुलित शिला का पूरा वर्णन दिया हुआ है। बैलेंसिंग रॉक संतुलित शिला, मैं इसको हल्के से धीरे धीरे ऊपर से नीचे ले लेता हूँ, पॉज करते करते पढ़ लेना आप लोग। जी अंदर चलते हैं, आ जाओ। तो ये है वो बैलेंसिंग रॉक फेमस। चलिए थोड़ा यहाँ से दूर से दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके कि इसको बैलेंसिंग रॉक क्यों बोलते हैं। अब ये देखिए इसको मैं इस बेस पे जूम करता हूँ, देख रहे हैं आप। इस बेस पे जूम करने के बाद अगर आप देखेगा तो आपको पीछे की तरफ सब पत्तियाँ दिखेंगे साइड साइड से, आपको ये साइड में भी पत्ती दिखेगा और ये साइड में भी पत्ती दिखेगा, लेकिन बीच में वो रॉक है। ये रॉक को जहाँ तक मैंने सुना है बहुत जन ने हिलाने की कोशिश की है, झाड़ वाड़ के बाद तूफान सब कुछ झेला है इसने, लेकिन अभी तक गिरा नहीं है ये। और इसी के पास थोड़े से तो बेसिकली ऐसे पत्थर आप हम्पी पे जाएंगे तो हम्पी में आपको बहुत दिखेंगे। ये ऐसा ही है, देखता हूँ इस तरफ से जगह है तो इस तरफ से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, इसके नीचे से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इतना बड़ा बोल्डर, सिर्फ इतने से मैं टिका हुआ है ये। बस ये है कि ये बैलेंसिंग रॉक तो साफ सुथरा है क्योंकि इंसान ऊपर पहुंच नहीं सकता है, नीचे है ये ऐसा गंदगी। पीछे कुछ नहीं है सर, यहाँ पे तो सब बैठने का जगह बनाया है, यहाँ पे रास्ता तो है। चलिए देखते हैं आगे कहाँ जाता है ये। बड़े बड़े बोल्डर्स है और कुछ नहीं है, बेसिकली मेजर जो है वो वही है। मेरा दरख्वास्त है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से कि इस जगह को थोड़ा मेंटेनेंस दे, तो बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है तो आप लोगों का ही, आपको ही संभालना है। चलो तो दिस इज इट फ्रॉम बैलेंसिंग रॉक। बैलेंसिंग रॉक को ईश्वर मान के ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सकारात्मकता और स्वास्थ्य बढ़ती रहे, बनी रहे। चलो नेक्स्ट पॉइंट शायद मदन महल फोर्ट।